हेलो फ्रेंड जे, मतलब तो मेरा नीचे का सारा काम हो गया है, तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ और 9:10 हो रहे हैं। तो 9:10 होने के बाद मैं फिर मैं बना रही हूँ नाश्ता बुआ जी के लिए। बुआ जी आई हुई हैं हमारी, तो आज बना रही हूँ मैं चीला। तो चीला बन के हो गया है मेरा तैयार, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ऐसे तो नहीं, बैक कैमरे से दिखाती। इधर बन रहा है मेरा चीला और इधर बन रही है चाय। तो थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। तो आजकल शुगर नहीं डाल रही मैं अपनी चाय में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी परेशानी आई है। तो इस वजह से अब मैं बना रही हूँ चीला और देखो कितना अच्छा चीला बन गया है मेरा। और लोहे के तवे पर बहुत अच्छा बनता है। और सुबह रख दिए थे मैंने बॉईल होने के लिए राजमा, तो अभी थोड़े टाइट से लग रहे हैं मुझे, तो इन्हें बॉईल करने रखती हूँ मैं दोबारा। और मेरे हस्बैंड लाए थे चॉपर, तो देखो ये वाला चॉपर है, मैं दिखाती हूँ। पुश करने वाला है, पुश कर देते हैं ये वाला, और बहुत अच्छा है। और एक अप्पे का भी लेके आए थे, मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर बाद। अब मैं पानी भर गया तो ऊपर की साफ़ सफाई स्टार्ट होगी। नल बंद कर देते हैं और कपड़े पड़े हैं ये कपड़े धुलेंगे और पौधों में पानी लगेगा। और चलते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ दिखाती हूँ मैं। अभी फैला पड़ा है तो करेंगे, पहले अंदर के कमरे को दिखाती हूँ। तो अब ये सारी सब समेटा जाएगा, तो हमारी जैसे क्लीनिंग ऊपर की होगी नीचे की हो गई है। तो करते हैं हम काम अपना और फटाफट कर लेते हैं। 9:45 बज गए हैं, 9:45 होने वाले हैं। और गला मेरा अभी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है, ज़्यादा अभी नहीं। और फिर मैं अपने ऊपर आ गई थी कमरे को साफ करने के लिए। तो ये कमरा देखो मेरा मैसी हो रहा था, क्योंकि सुबह से मैंने नहीं किया था ये। तो पहले मैंने नीचे का किया, फिर मैं ऊपर का करने आ गई साफ़ सफाई। तो इस तरीके से हमारे काम और रूटीन चलता रहता है, क्योंकि देखो हम जैसे हमारा ऊपर नीचे है, तो मेरा इधर का भी और दोनों तरफ का काम करना पड़ता है और जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और आजकल गर्मी है, तो मैं सोचती हूँ 10 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाए। तो 10 बजे तो नहीं, लेकिन हाँ 11 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और बहुत जल्दी हो गया था। देखो और ऊपर नीचे का काम है और चारों तरफ जैसे खुला चौक भी है, उधर चौक भी है, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखो साफ़ सफाई करने में, और जैसे हम अपनी डस्टिंग रोज़ की रोज़ करते रहें, तो हमारी जैसे सफाई भी आसान हो जाती है। और अच्छे तरीके से करें तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये मेरे हस्बैंड लाए थे ट्राईपॉड हम, और देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चार्जिंग के लिए भी काम आ सकता है, गिरवरता नहीं है और बहुत अच्छा है। फ्लिपकार्ट से मंगाया है और बहुत अच्छा है। शॉर्ट बनानी हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। फिर अब मैं झाड़ू लगाने लगी थी, फिर इसके बाद डस्टिंग वगैरह करने लगती हूँ। तो फिर मैं अपने झाड़ू वाड़ू का भी काम कर रही हूँ, झाड़ू वाड़ू का भी काम कर रही हूँ मैं। तो फिर अपना झाड़ू पोछा लगाती जाऊंगी मैं, देखो ऊपर नीचे। और नीचे मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है, मैं बता रही थी आपको। अब यहाँ पर हम झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो ऐसे ही काम हम करते जाते हैं हाउसवाइफ, और जल्दी जल्दी काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर आ गई थी मैं, आजकल हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ, तो कपड़े गला देंगे, क्योंकि कपड़े गला देंगे तो थोड़ी देर इन्हें गलने का जैसे मैल कट जाता है, इनका निकल जाता है। तो गला के रख जाऊंगी, जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तब तक ये गल जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ अपनी, गला देती हूँ कपड़ों को। और देखो चादर भी है, तो आजकल हाथ से ही धुल रहे हैं, क्योंकि हमारी मशीन ख़राब है और बहुत दिन से ख़राब है। कई बार अब मैंने भी मना कर दिया था इनसे, अब गर्मी गर्मी मत कराओ, क्योंकि हाथ से डेली के डेली धुल जाते हैं कपड़े, तो अच्छा भी लगता है और इकट्ठे भी नहीं होते कपड़े, और एक एक करके निकाल दो। इतना ठंडों में तो थोड़ा सुखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से हो जाता है। और पानी डाल रही हूँ पौधों में इधर उधर, तो धीरे धीरे ही डालूँगी, क्योंकि जैसे बाल्टी से ही डाल रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे डालूँगी, क्योंकि पानी सारा जैसे मिट्टी निकलने लगती है, जड़ खाली जड़ ऊपर आ जाती हैं। इस वजह से फिर मैं अब कपड़े भी धो रही थी, और मुझे ऐसे कपड़े धोना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ब्रश मारना कपड़ों पर नहीं अच्छा लगता, मुझे रगड़ रगड़ के ऐसे हाथों से कपड़ा धोना बहुत अच्छा लगता है। और कपड़े धो रहे हैं हम और चलते हैं।
फिर हम इनको धो धा के फिर सुखाएंगे कपड़ों को। तो इस और देखो चादर को तो ऐसे पीट पीट के साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि चादर तो पीट पीट के ही साफ़ होंगी, क्योंकि ये जब तक पटकेंगे नहीं हाथ से धोएंगे तो ये इसी तरीके से साफ़ होगी। और ये है वाइट कलर की, तो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है। तो ये अब हम कपड़े सुखा दूँगी, और कपड़े सुखाने का काम हो गया। और पोछा भी मैंने लगा दिया था, क्योंकि पोछा जब तक मेरा पानी वानी भर रहा था तो मैं एक के बाद एक अपना काम करती जा रही हूँ, और हम लोग ऐसे ही करते हैं काम। नहीं थे तो धुल गए हैं सारे कपड़े, और भगवान जी की पोशाक भी धुल गई है, और चलते हैं अब हम नहाने। तो इसमें डाल लिया है सरफ, तो अपने कपड़े धोएंगे तो रख देते हैं बाथरूम में। अब नहाना धोना होगा हमारा, दस बीस हो गए हैं, और देखते हैं कपड़े अपने। और काम वाम हो गया सारा, आप चलते हैं नीचे तो देखते हैं बुआ जी क्या कर रही हैं। लेटी होंगी बुआ जी, और मैं करूँगी पूजा अभी। तो 10:30 हैं अभी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ 10:30 तो, और आज और पहले हो जाता है मेरा काम, लेकिन आज संडे था इसलिए लेट हो गया। तो चलते हैं नीचे, और फिर मैं करने लगी थी पूजा। तो पूजा करने के बाद में फिर मैं बनाऊंगी खाने वाने की तैयारी करूंगी। तो पहले कर लेते हैं पूजा, और पूजा मेरी हो गई थी 11 बजे तक, मेरी पूजा वूजा सब कुछ हो गया था। तो जैसे गर्मियों में जल्दी उठ जाओ, जल्दी काम हो जाता है, और फटाफट फिर मन लगता है काम करने में, और पूजा पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाए, और फिर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आ गई थी मैं यहाँ पर सब्जी छौंकने, तो कि फिर देखो तैयारी खाने की करनी है मुझे, क्योंकि देखो फिर मैंने अपना ये क्या नाम है मसाला वसाला कर दिया था। तो फिर मैं बनाऊंगी राजमा, तो ये राजमा में मैंने हल्दी मिर्च नमक सारा जैसे प्योरी बना ली थी प्याज की और टमाटर। राजमा हो रहा है मेरा तैयार, हो गया था। और फिर मैं बनाने लगी थी चावल, चावल भी बनाऊंगी, एक तरफ चावल भी बनेंगे मेरे। तो देखो चावलों से भोग लगा दूंगी कान्हा जी का, क्योंकि अभी ये तो प्याज और प्याज की है ये राजमा, तो प्याज के तो भोग लगेंगे नहीं, लेकिन हाँ चावल में चीनी डालकर और भगवान जी का भोग लग जाएगा। तो इसी तरीके से हम भोग भी लगा लेंगे, और राजमा चावल हो गए हैं मेरे तैयार बन के, और चावल भी मैंने जैसे एक तरफ बनाने रख दिए थे। तो जैसे मैं पहले ही जैसे पूजा करने से पहले मैं बॉईल करने रख गई थी, तो राजमा चावल बन गए हैं, और बच्चों को हम दिखा खिलाते हैं और पूछते हैं कैसे बने हैं, और बच्चे तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे बने थे, मैंने खाए थे राजमा चावल। और आजकल गर्मियों का खाना यही अच्छा है, ज़्यादातर राजमा चावल, छोले चावल और नमकीन चावल बनाओ, बहुत टेस्टी होते हैं, तो सबको अच्छे लगते हैं। और काव्या को दे दिया है राजमा चावल। तो अब मेरा जैसे सारा काम हो गया है, और तरबूज काटेंगे शाम के टाइम, तरबूज भी रखा है, और तरबूज काटेंगे शाम के टाइम, क्योंकि अभी कोई खा रहा नहीं है। तो चलते हैं, और राजमा चावल सब कुछ मेरा जैसे रसोई वसोई क्लीन हो चुकी है, तो मेरा सारा काम हो गया है। 12:15 बज रहे हैं शायद, तो सारा काम हो गया है खाने से लेके। तो देखो अभी तो टाइम है 5 मिनट है, तो मैं वीडियो का एंड करूँगी, क्योंकि सुबह से चल रही है वीडियो, तो वीडियो का एंड करेंगे। जय माता दी।